नागरिक सुरक्षा संगठन की जिम्मेदारी है कि आपातकालीन परिस्थिति में वो लोगों के जान और माल की हिफाजत करें। इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो लोग शामिल हुए हैं वो मुंबई पोर्टर्स के अपने ही कर्मचारी हैं, जिन्होंने एक विशेष कला हासिल किया हुआ है। मुंबई पोर्टर्स में 3 सप्ताह का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और वार्डन, इन तीनों को सीखने के बाद उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। आज पूरे दुनिया में सिविल डिफेंस की क्या जरूरत है, क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप देखेंगे हाउस फायर पार्टी के नौजवान किस तरह आग लगने पर एक बकेट, छोटे से पंप की सहायता से किस तरह आग पर काबू पाते हैं। उसके साथ ही फर्स्ट एड पार्टी के नौजवान किस तरह आपातकालीन परिस्थिति में उनका इलाज करते हैं और उन्हें मदद पहुंचाकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू पार्टी के नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें आप देखेंगे कि ऊंची इमारतों में जब लोग फंस जाते हैं, लिफ्ट बंद हो जाती है, सीढ़ी से उतरने का रास्ता बंद हो जाता है, तब रस्सी के माध्यम से इस तरह उनको नीचे उतारा जाता है। यह देखने के लिए आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। तमाम जनता और यहाँ के रहवासी और बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं,